वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे आलू पापड़ की सब्जी। ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। दो मीडियम साइज़ पापड़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इससे पापड़ जल्दी से फ्राई हो जाएगा और सब्जी के लिए हमें छोटे टुकड़ों में पापड़ चाहिए। दो मीडियम साइज़ आलू छिलका निकाल के इसे मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ प्याज जिसे मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है। अब गरम पैन पे ऑयल डालेंगे 3 टेबलस्पून। ऑयल अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे छोटे पीस में कटा हुआ पापड़ को। सारे पापड़ हम एक साथ नहीं डालेंगे, पहले आधा डालेंगे और पापड़ को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इस तरह से पापड़ बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाता है और इस सब्जी के लिए हमें पापड़ को डीप फ्राई नहीं करना है। और देखिए पापड़ फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे और बाकी बचा हुआ पापड़ भी तेल में डाल देंगे। करछी को चलाते हुए ही पापड़ को हमें फ्राई करना है और इस तरह से सारा पापड़ फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में थोड़ा सा तेल और डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब। तेल गरम हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल के इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा भुन जाए तब इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को लो फ्लेम पे 1-1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू को। अब आलू और प्याज को मिलाते हुए इसे हम मीडियम फ्लेम पे और 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद आलू जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि पापड़ में नमक होता है। लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। अब सारे चीज़ों को आलू और प्याज के साथ मिलाते हुए और 2 से 3 मिनट तक इसे हमें भूनना है। और इसी तरह से करछी से चलाते हुए मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें टमाटर को डालेंगे और इसे भी सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। पानी हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पापड़ बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पानी के साथ सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैगी सब्जी मसाला। इसमें 1 टेबलस्पून मसाला होता है, आप कोई भी सब्जी मसाला इसमें 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब मसाले को ग्रेवी के साथ मिला देंगे और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे ताकि आलू सॉफ्ट हो जाए। 10-12 मिनट के बाद लीड को खोल के आलू को हम चेक कर लेंगे। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम फ्राई किया हुआ पापड़ को डाल देंगे। अब पापड़ के साथ सारे चीज़ों को मिलाएंगे और इसी के साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाएँगे और 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 1 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 10 से 12 मिनट तक ढक के रखेंगे। इससे पापड़ अच्छे से ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेगा। 10 मिनट के बाद सब्जी को हम सर्व करेंगे। आप भी इसे ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।